खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। अज्ञात युवक का मिला शव, शरीर पर मिले चाकू के गहरे निशान, नर्सरी की छात्रा से छेड़छाड़, स्कूल प्रिंसिपल गिरफ्तार, लग्जरी गाड़ी से आए और उड़ा ले गए कार। डबल मर्डर का पुलिस ने किया खुलासा, दो लोग गिरफ्तार। आधी रात पुलिस और बदमाशों के बीच चली दनादन गोलियां। अब खबरें विस्तार से। द्वारका डिस्ट्रिक्ट के छावरा थाना इलाके में दिन दहाड़े एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। युवक की लाश छावरा थाना से कुछ किलोमीटर की दूरी पर सड़क किनारे मिली। काफी छानबीन और जांच के बावजूद भी मृतक की पहचान नहीं हो पाई। आउटर दिल्ली के रनहोला इलाके में बीते बुधवार को एक निजी स्कूल में नर्सरी कक्षा की छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जिसके बाद स्कूल के खिलाफ पीड़ित परिवार समेत सैकड़ों स्थानीय लोगों ने हंगामा और तोड़फोड़ भी की। वहीं अब पुलिस ने प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया है। राजधानी दिल्ली के कालकाजी इलाके में कार चोरी की एक करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोर लग्जरी गाड़ी से आकर वहां खड़ी इको स्पोर्ट कार को चोरी कर ले गए। उन्होंने सीसीटीवी कैमरे को दूसरी तरफ घुमाया, फिर भी पूरी घटना तीसरी आंख में कैद हो गई। दिल्ली से सटे नोएडा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने डबल मर्डर का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला 6 दिसंबर से जुड़ा है, जब दो युवकों की आपसी रंजिश में हत्या कर दी गई। यूपी पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन के तहत बीती रात मोबाइल लूट कर भाग रहे शातिर बदमाश रवि को गिरफ्तार किया। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में रवि को गोली लगी और वो घायल हो गया, जबकि उसका दूसरा साथी चकमा देकर फरार होने में कामयाब रहा। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।